हम क्या अजम्पशन लेंगे, पूरे पे नहीं दिया। तो क्वेश्चन मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। कॉल सिनेरियर का है हमारा, कॉल सिनेरियर में हमारा इशू कितने किए हमने, 10,000 शेयर और 10 रुपये प्लस 1 11 रुपये है। प्रीमियम कुछ भी नहीं बोला तो हमने कहाँ कंसीडर कर लिया, यहाँ अलॉटमेंट पे। और राम एक व्यक्ति है जो कि फेल हो गया देने में, क्या देने में फेल हो गया, अलॉटमेंट में। तो मैंने क्या बताया कि जब क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो हम ये मानते हैं कि राम जब अलॉटमेंट पे फेल हो गया है तो टू बी कंटिन्यू फाइनल कॉल पे भी क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। पहला पॉइंट आपको जो रिमाइंड रखना है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो ये बनता है कौन सा कॉन्सेप्ट, कॉल सिनेरियर का। कॉल सिनेरियर पे इंटरेस्ट कितना होता है हमारा, बता सकते हो? कॉल सिन एरियर पे इंटरेस्ट रेट जो होता है वो होता है हमारा 10%, 10% पर एनम। क्वेश्चन आएगा अभी, कॉल सिन एरियर की भी जर्नल एंट्री करवाएंगे। तो कॉल सिन एरियर पे हमारे हमेशा होता है कितना, 10%, और कॉल सिन एडवांस पे होता है हमारा 12%। कॉल सिन एडवांस पे कितना होता है, 12%, ठीक है ना। मैंने लिखवाया हुआ है, 6% और 5% पुराने हैं वो, अब चेंज हो चुका है। नहीं, ये नया है, 6% और 5% पहले वीडियो में जिन बच्चों ने देखा हो, शायद कोई मिस्टेक हो मैंने या गलत बोल दिया हो उसमें। तो 6% और 5% ओल्ड है और 10 और 12 न्यू है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। और वैसे 5 और 6 से कोई मतलब नहीं है। चलिए जनरल एंट्री करते हैं, क्वेश्चन हर किसी को क्लियर है। क्वेश्चन में पहली जनरल एंट्री क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट क्या आएगा यहाँ पे बताइए, क्योंकि 10,000 शेयर है, 3 रुपये का है, तो आप फटाफट से जवाब दें, 30,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जैसे ही अगली एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 30,000। और मैं हर बच्चों को सजेस्ट यही करूँगा कि आप प्लीज़ यहाँ पे ना 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 इसका ना इस तरीके से कैलकुलेशन साइड में दिखा दें। इससे होता क्या है कि आपके एरर के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है ना। अगली एंट्री पे चलें, किसकी करेंगे हम, अलॉटमेंट की। तो क्या एंट्री करेंगे हम, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अमाउंट यहाँ पे हमें फिल करना है, तो कितने आ जाएगा यहाँ पे, 5 रुपये है तो 10,000 इंटू में 5, तो ये आ गया हमारा कितने रुपए, 50,000। और ये आ गया हमारा कितने रुपए, 40,000, क्योंकि 4 रुपये है, और ये आ गया 10,000। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं बैंक में सारे पैसे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति क्या हो गया, फेल हो गया, तो बैंक में सारे पैसे नहीं आएंगे। तो जब मैं बैंक में पेमेंट लेने जाऊँगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट मैं करूँगा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। मुझे लगता है कि 50,000 मिलना चाहिए, बट आपको पता है कि 200 व्यक्ति ने, जिसके पास 200 शेयर था, राम ने पैसे नहीं दिया, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी यहाँ पे पैसे कितने नहीं आएंगे, 1,000 रुपये। यानी अल्टीमेटली बैंक में कितने पेमेंट आ जाएगा, 49,000। और यहाँ कॉल्स इन एरियर डेबिट कर देंगे, कॉल्स इन एरियर। कई बार बच्चे पूछते हैं, सर ये तो अलॉटमेंट है, कॉल्स इन एरियर क्यों लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे अलॉटमेंट एरियर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1,000 और 2 शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा पूरे 50,000 रुपये। इस एंट्री को ना एक तरीके से और किया जा सकता है, ध्यान रखना, इसका सिंपल डायरेक्ट एंट्री भी किया जा सकता है हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट और 2 शेयर अलॉटमेंट। अभी समझेंगे हम सारी बातें को एक एक करके। ये 49 से सीधा हो जाएगा डायरेक्टली, ये एंट्री भी बिल्कुल ठीक है। पता है एग्जामिनर कई बार बोलता है पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो आप ये जनरल एंट्री कर दें, फाइन। लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जामिनर बोलता है ओपन अ कॉल सिनेरियर अकाउंट। तो जब बोला जाता है ना ओपन सिन कॉल सिनेरियर अकाउंट, तो इसका मतलब होता है कि कॉल सिनेरियर का लेजर नहीं बनाना, जनरल एंट्री के अंदर शो करना है, इसका मतलब ये होता है। अगर आपको लेजर बनाना है तो बोलेगा प्रिपेयर कॉल सिनेरियर अकाउंट, तो दोनों में फर्क है। ओपन करने का मतलब जनरल एंट्री में अगर आपने लिख दिया तो वो अकाउंट ओपन हो गया। और आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पता है कई बार सोच लेते हैं कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन करने को बोला गया तो इस फॉर्मेट में जो लेजर बनाते हैं ये बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ओपन इन कॉल सिनेरियर का मतलब क्या, जनरल एंट्री में दिखा दो।
अगर एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि ओपन इन कॉल सिनेरियो अकाउंट, तो ये वाली एंट्री आप करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको यही करना पड़ेगा। लेकिन एग्जामिनर ने कुछ नहीं बोला तो आपकी इच्छा है कि आप ये करें और ये करें। लेकिन मैं जितने भी क्वेश्चन करूंगा मैं इसी फॉर्मेट में करूंगा, ओपन करके करूंगा, ताकि आपको क्लियरिटी रहे, इतना एरियर है, इतने पैसे, ताकि मैच हो, ठीक है ना, क्लियर। अगली एंट्री की अगर हम बात करें तो अगली एंट्री क्या होगी इसके बाद देखा जाए, तो इसके कंटिन्यू में चल रहे हैं। फाइनल कॉल, तो एंट्री क्या होगा फाइनल कॉल का, शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब सिंपल सी बात है, तीन है तो यहां आ जाएगा हमारा 30,000 और 30,000। अगली एंट्री क्या आ जाएगी हमारे, बैंक में पेमेंट। अब बताइए जब बैंक में पेमेंट रिसीव करने जाएंगे तो पूरे पेमेंट आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर जो यहां फेल हुआ है वो टू बी कंटिन्यू कहां फेल होगा, आगे भी फेल हो जाएगा। तो यहां पे भी मैं दिखाऊंगा कॉल सिनेरियर, कॉल सिनेरियर डेबिट और टू आ जाएगा हमारा शेयर फाइनल कॉल। तो अगर अमाउंट की हम बात करें तो अमाउंट 30,000 तो आने थे, लेकिन इसमें से ये यहां भी कंटिन्यू फेल होगा तो 200 इंटू में 3 600 रुपए नहीं देगा। तो इसका मतलब मेरे अकाउंट में पैसे कितने आ जाएंगे, 29,400 और यहां कितने आ जाएंगे हमारे 600 और यहां पूरे आ जाएंगे 30,000। बींग वही रहेगा, बींग कॉल सिनेरियर आ गया, तो इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, सिंपल होगा, फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव, क्लियर आपको। तो आप फटाफट से एक बार नोट करिए, फिर इसी का एक दूसरा टाइप देखेंगे जिसमें किस तरीके से किया जाए। फटाफट से नोट करिए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए आप इसमें, अगर कोई डाउट है तो। यहां पे राम फेल था, कितने शेयर थे, 200, और यहां पे एक व्यक्ति और फेल कर देते हैं, मान लेते हैं मोहन, मोहन यहां पे एक व्यक्ति और फेल कर देते हैं जिसका नाम क्या है, मोहन। चलिए मैं क्या कह रहा था आपसे कि सिंपली मैं क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, मोहन, मोहन जिसके पास मान लेते हैं एक 300 शेयर है, ये भी फेल हो गया यहां पे और ये यहां फेल था। तो अब आप ध्यान से देखें ना, तो फाइनल कॉल पे राम जो था वो कंटिन्यू तो आएगा ही आएगा और एक मोहन भी फेल हो गया, तो यहां पे टोटल शेयर्स के जो पैसे नहीं आएंगे ना, वो 300 तो नए वाले और 200 पुराने वाले, तो यहां 500 शेयर के पैसे नहीं आने वाले, समझे बात आप। चलिए जनरल एंट्री की बात करें तो पहले जनरल एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो 3 रुपए है। अगली एंट्री में भी हालांकि कोई चेंज नहीं होगा, फिर भी मैंने इरेज कर दिया, फाइनल अकाउंट पे आप, फाइनल एंट्री पे आपको चेंज मिलेगा। यहां पे एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहां पे देखा जाए शेयर अलॉटमेंट में क्या आएगा हमारा, शेयर अलॉटमेंट में आएगा 10,000 इंटू में 5 50,000 रुपये, और इक्विटी शेयर में क्या आ जाएगा हमारा 4 रुपये के हिसाब से 40,000। वही पहले वाली एंट्री रहने वाली है, आपने नोट किया रजिस्टर में देखोगे तो वही पहले वाली एंट्री है। इससे अगली एंट्री की बात करें तो बैंक में पेमेंट आ जाएगा, और बैंक में पेमेंट हमें 50,000 मिलना था जबकि एक फेलियर है, यानी 200 इंटू में 5 कितने 1,000, तो यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट डेबिट और ये आ जाएगा हमारे पास 49,000 और ये आ जाएगा कॉल सिनेरियर, कॉल सिनेरियर डेबिट 1,000 और 2 आ जाएगा हमारे यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट 50,000, शेयर अलॉटमेंट 50,000। ये एंट्री तो पहले वाली है। अब फाइनल कॉल की बात कर लेते हैं, शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल और यहां पे क्या आ जाएगा हमारा 3 मांगना सबसे हमें, कॉलिंग जो करेंगे ना, जो मांगेंगे ना, चाहे जो व्यक्ति फेल भी है कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कॉल तो करना है और मांगना भी है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत आपको, बताइए पहले इस वाली एंट्री में कोई दिक्कत के मांगा हमने सबसे, क्लियर है। अब जब बैंक में पेमेंट आएगा ना, तो बैंक में पेमेंट के एंट्री क्या करेंगे जी, बैंक में पेमेंट आना था हमारा कितने का, 3,000 का,
30,000 का, 30,000 में से दो व्यक्ति फेलियर है, एक तो ये 300 × 3 और एक 200 जो कंटिन्यू फेल हुआ 6, तो यानी अल्टीमेटली मेरे यहाँ पे भी कितने नहीं आएंगे, 1500 रुपये, 500 शेयर हो गए ना, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 1500। पहले बताओ इसमें कोई डाउट है क्या, ये कैसे बना, मैं अगर बायफिकेशन पूछोगे तो ये बना है ऐसे 300 × 3 और 200 × 3, ठीक है, यहाँ जाएगा अकाउंट डेबिट, तो कितने रुपए आ गए, 28,500। इसके बाद क्या आएगा अगला, कॉल्स इन एरियर 1500 और टू शेयर फाइनल कॉल कितने आ जाएंगे, पूरे 30,000 रुपये। किसी को डाउट, तो ये सेकंड केस हो गया जहाँ पे मैंने दो फेलियर करा। एक और केस इसमें करूँगा जिसमें, अभी पहले एक बार ये नोट करिए, इसके बाद थर्ड केस देखिएगा। अब प्रीमियम नहीं लेते, प्रीमियम को तो पता ही चल गया, मान लेते हैं एक हमारा 10 रुपये का शेयर है और 10 रुपये शेयर का कुछ डिटेल मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको, ठीक है, 10 रुपये के शेयर्स की डिटेल अगर मैं दूँ आपको, तो 10 रुपये के शेयर्स की डिटेल मान लेते हैं 2 रुपये, 5 रुपये और 3 रुपये, ये डिटेल दे दिया हमने। जो इशू किए हैं मैंने 10,000 शेयर, और जब 10,000 शेयर मैंने इशू किया है तो मान लेते हैं यहाँ पे फेल हुआ, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, यहाँ पे जो फेल हुआ वो फेल हुआ मान लेते हैं 200 शेयर, और यहाँ पे जो फेल हुआ वो फेल हुआ मान लेते हैं 300 शेयर, तो यहाँ पे दो फेलियर अगेन मैंने लिखे हैं, एक हमारा 200 शेयर और यहाँ पे 300 शेयर। जनरल एंट्री देखिए, पहली एंट्री क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से होगा हमारा, 10,000 × 2 20,000 टू शेयर एप्लीकेशन में भी 20,000 आ गया। इसके बाद अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का आ जाएगा हमारा, फिर से 20,000। अगली बात करते हैं अलॉटमेंट पे फेलियर 200 है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं यहाँ पे, तो अमाउंट क्या आएगा आप देखते जाइए फटाफट, किसी को डाउट होगा तो आप बता देना। यहाँ पे आ गया हमारा कितने, 200 मैंने लिख दिया, 10,000 × 5 तो ये आएगा 50,000 और ये भी आएगा 50,000। अगली एंट्री करेंगे बैंक में, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए आने चाहिए, 50,000, बस फेलियर का नहीं आएगा 1,000 रुपये। कैसे आए 1,000, आपको मैंने बताया था पहले भी अभी, तो यहाँ कितने रुपए आ जाएंगे आपके, 49,000। यहाँ क्या आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर क्या आ जाएगा, 1,000 और टू शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए आ जाएंगे, 50,000। किसी को कोई डाउट यहाँ तक वेरी सिंपल है। फाइनल कॉल की बात करते हैं, अब हम शेयर फाइनल कॉल मांगेंगे सभी से, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा बताओ, यानी हमारा 10,000 × 3 तो ये आ जाएगा हमारा 30,000 रुपये और 30,000 रुपये। अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एरियर डेबिट और टू शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल। आप मुझे, अब अमाउंट है मेन चैलेंजिंग, मैंने यहाँ पे आना कितना चाहिए, 30,000। अब देखिए मुझे बताइए कितने रुपए यहाँ पे नहीं आएंगे, कौन बताएगा फटाफट बताइए, और जो बच्चे लाइव क्लास में वो भी बताएं कि कॉल सिनेरियर में क्या आएगा यहाँ पे, बताइए कॉल सिनेरियर में,
कुछ स्टूडेंट का है 1500, कुछ स्टूडेंट का 900। मैंने कहा यहाँ पे 200 शेयर फेल थे और यहाँ पे और हो गए हमारे, और यहाँ पे कितने शेयर फेल है हमारे, 300। वो चीज़ें आप बताइए। नहीं, क्वेश्चन में नहीं डिफाइन होगा कभी भी। मैं क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट पढ़ूँ ना, तो स्टेटमेंट क्या होगा, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 200 शेयर होल्डर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल 300 शेयर होल्डर फेल टू पे फाइनल कॉल। यानी ऐसे क्वेश्चन जब हो ना, यहाँ पे देखो नेम नहीं है, अगर मैं बोलता ना राम और मोहन, अब इसका बायफिकेशन करूँ ना तो पता है क्या माना जाएगा, इसका बायफिकेशन 200 तो पुराने वाले हैं और 100 नए वाले हैं, यानी टोटल शेयर होल्डर फेलियर कितने, 300 हैं। समझना बात, पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या देखा था, इन दोनों को जोड़ के हमने लिया था, इस वाले एग्जाम्पल में नाम नहीं है, इसलिए जो बोला जाएगा ना, मैं अगर फाइनल कॉल पे बोलूँ मेरे 4000 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब समझ जाना सब मिला के 4000 है, पुराने को जोड़ के है। अगर मैं फाइनल कॉल पे बोलूँ मुझे राम ने 4000 शेयर के पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब होगा राम ने सिर्फ 4 पे नहीं दिए, बाकी जो पिछला था वो तो अभी और भी फेलियर जुड़ेगा। समझे बात आप यहाँ पे? तो यहाँ पे फाइनली जो पेमेंट नहीं आएगा वो 300 शेयर इंटू में 3, यानी टोटल 300 है, तो 900 का पेमेंट नहीं आएगा, जो कि बैंक में आ जाएगा हमारा 29100, और 900 एरियर में चला गया और यहाँ पे 30000 आ गया। बताइए किसी को डाउट? मेरा ये क्वेश्चन कराने का सिर्फ यही पर्पस था कि आपको पता चल जाए, जब नेम होगा तो नेम के साथ करोगे, जब नेम नहीं होगा तो इसके हिसाब से होगा। तो कुछ बच्चे 1500 कह रहे थे, कुछ बच्चे 900 कह रहे थे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि किसी को डाउट है तो बताइए इसमें मुझे, अभी किसी को डाउट है तो। मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, यहाँ पे कंसीडर किया है मैंने 900 रुपये। आप क्या मैं चेंजेस करने वाला हूँ? ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, सेम क्वेश्चन है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो व्यक्ति अलॉटमेंट पे फेल हुआ हो वो फर्स्ट कॉल पे आके बोले भाई मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, पॉसिबिलिटी है। और ये कैसे पता चलेगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्वेश्चन में क्लियरली मैंशन होगा। तो जो अगला एग्जाम्पल है ना, अगले एग्जाम्पल में मैं यही मान के चल रहा हूँ कि अलॉटमेंट पे ये फेल हुआ, और यहाँ पे जो अलॉटमेंट पे, मैं लिख देता हूँ हु फेल टू पे अलॉटमेंट पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल। यानी कहने का मतलब है सिंपली कि जो अलॉटमेंट पे फेल हुआ, जैसे वो फाइनल कॉल पे पहुंचा, उसने क्या करा, सारे पैसे दे दिए। इसका मतलब इस एंट्री में कोई बदलाव नहीं होना, ये तो ठीक है, बैंक एंट्री यहाँ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बैंक एंट्री क्या चेंज होगा, हमें मिलना कितना था, मैं यहाँ कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। मिलना कितना है, 30000। सबसे पहले फेलियर माइनस कर दो, तो अब जो यहाँ पे फेलियर है ना, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, अब यहां पे फेलियर जो आपको बताएगा ना एग्जामिनर, वो बताएगा 100 फेलियर है, जो भी है टोटल आपका 300 बताया था, तो यहां पे फेलियर कितने हमारे 100। तो अब यहां पे माइनस करोगे 100 इंटू में 3, 300 तो नहीं आएंगे, यानी हमें मिल जाएंगे कितने, 29700। लेकिन अब ये जो व्यक्ति है ये पुराना पैसा भी देगा और कहां का देगा, फाइनल कॉल पे। अब मुझे एक बात बताना, जो व्यक्ति मुझे फाइनल कॉल का पैसा दे रहा है, क्या आप ये समझ रहे हो कि जो मुझे यहाँ पे 30000 में से ये पेमेंट फाइनल कॉल का, जो व्यक्ति फाइनल कॉल पे ही फाइनल कॉल का पेमेंट देगा, उसकी कोई एंट्री हम अलग से दिखाते हैं क्या? नहीं दिखाते, वो तो जुड़ा हुआ है। तो हमें तो ये सोचना है कि भाई एक एक्स्ट्रा पैसा भी आया है हमारे पास, अलॉटमेंट वाला एक्स्ट्रा आ गया है, तो अलॉटमेंट वाला कितना एक्स्ट्रा आया होगा, 1000। तो इसका मतलब मेरा पेमेंट कितना होगा, 30700। फिर दोबारा देखिए, दोबारा एक बार और मैं बताता हूँ, यहाँ पे हुआ ऐसा कि एक व्यक्ति नहीं दे रहा पैसे, उसके माइनस कर दिए, और एक व्यक्ति पुराने पैसे दे रहा है, नए वाले तो दे ही रहा है, पुराने दे रहा है, तो जो नए वाले यहाँ का दे रहा है उससे मतलब नहीं है हमें, वो तो एंट्री के अंदर इंक्लूड है, जो पुराने दे रहा है वो देखते हैं। तो पुराना कितना दे रहा होगा, पुराना बकाया इसका देखो कितना था, 1000, तो 1000 ही तो दे रहा है, तो 1000 प्लस हो गया, तो यानी इसका मतलब ये कितने रुपये देगा टोटल, 30700। मैंने यहाँ लिखा 30700, और यहाँ आ जाएगा हमारा डेबिट में कॉल्स इन एरियर 300 और 2 शेयर फाइनल कॉल, शेयर
फाइनल कॉल कितने का? 30,000, क्योंकि इसको तो चेंज थोड़ी कर सकते हैं। और ट्रू कॉल सिनेरियर, ट्रू कॉल सिनेरियर चेक करिए, ठीक है ना। बोलोगे सर कॉल सिनेरियर डेबिट भी, कॉल सिनेरियर क्रेडिट भी। हाँ, कॉल सिनेरियर यहां डेबिट इसलिए है क्योंकि हमें लेने हैं ये, तो मेरे लिए एसेट्स है। और ये कॉल सिनेरियर क्रेडिट इसलिए है क्योंकि उसने दे दिया, मेरा पुराने वाला एसेट्स कैंसिल हो गया। ठीक है, बताइए कोई डाउट। तो इस टाइप के भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो हम कर रहे हैं। आज का लास्ट कॉन्सेप्ट था ये। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर एरियर और एडवांस दोनों मिक्स करके हम करेंगे, एडवांस वाले भी और एरियर वाले। तो वो इंपॉर्टेंट क्लास होगा, वहां से हमारा मेन ये चैप्टर स्टार्ट होगा। ये तो बेसिक बेसिक सारी एंट्री है हमारी।